हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस किया था द प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड द कन्वर्जन ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक इनटू सीएनएफ एंड डीएनएफ। ठीक है, तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था हाउ टू कन्वर्ट अ प्रोपोजिशनल लॉजिक स्टेटमेंट इनटू सीएनएफ, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म एंड डिजक्टिव नॉर्मल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द ट्रुथ टेबल एंड द लॉजिकल प्रॉपर्टीज़ और प्रोपोजिशनल लॉजिक प्रॉपर्टीज़। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द प्रेडिकेट लॉजिक। ठीक है, तो हम इस पूरी यूनिट को प्रेडिकेट और लॉजिक कैलकुलस कहते हैं, जिसमें हम प्रोपोजिशनल लॉजिक पढ़ते हैं जो हमने पढ़ लिया है। दूसरा टॉपिक आता है इसमें प्रेडिकेट लॉजिक। तो जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, अब प्रोपोजिशन इज ए सिंगल स्टेटमेंट और सिंपल स्टेटमेंट विच हैज आइदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू। किसी भी ऐसे सिंगल सिंपल स्टेटमेंट को हम प्रोपोजिशन कहते हैं जिसकी या तो ट्रू या फॉल्स वैल्यू होती है। नाउ इफ़ वी एक्सटेंड द प्रोपोजिशन, अगर किसी भी प्रोपोजिशन को हम एक्सटेंड करते हैं फॉर अ वेरिएबल, किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए, जिसके अलग अलग वैल्यूज़ के लिए उसकी ट्रुथ वैल्यू डिपेंड करेगी कि उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, यानी उस वेरिएबल की वैल्यू पे उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। तो अगर किसी भी प्रोपोजिशन को हम किसी वेरिएबल पे डिफाइन करते हैं, देन दिस इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट। तो उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट लॉजिक डील्स विद द प्रेडिकेट विच आर प्रोपोजिशंस कंटेनिंग वेरिएबल्स। ऐसे प्रोपोजिशन जो वेरिएबल कंटेन करते हैं उनको हम कहते हैं यहाँ पर प्रेडिकेट्स। ठीक है, और ऐसा प्रपोजिशन, ऐसा लॉजिक जो प्रेडिकेट्स के साथ डील करता है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट लॉजिक, या जिस मेथड के थ्रू हम प्रेडिकेट्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं वो प्रेडिकेट लॉजिक कहलाता है। अब प्रेडिकेट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स। तो प्रेडिकेट को हम कहते हैं एक सिंपल एक्सप्रेशन जो एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल से बना है, डिफाइंड ऑन सम स्पेसिफिक डोमेन, जो उस वेरिएबल की एक स्पेसिफिक लिमिटेड वैल्यू पे डिफाइंड होता है, जिसे हम उसका डोमेन कहते हैं। अ प्रेडिकेट विथ वेरिएबल कैन बी मेड अ प्रपोजिशन बाय आइदर असाइनिंग ए वैल्यू टू द वेरिएबल और बाय क्वांटिफाइंग द वेरिएबल। तो किसी भी प्रेडिकेट को हम प्रपोजिशन बना सकते हैं अगर हम उसमें वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर दें या फिर वेरिएबल की वैल्यू को हम क्वांटिफाई कर दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द स्टेटमेंट एक्स इज ग्रेटर देन 3। एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिया है एक्स इज़ ग्रेटर देन 3, यहाँ पर हमें दिख रहा है एक्स इज़ ए वेरिएबल। अब इसको अगर मैं कहूँ कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा तो किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू भी हो सकता है अगर हम एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, और फॉल्स भी हो सकता है अगर एक्स की वैल्यू 0 लेता हूँ, 1 लेता हूँ या 2 लेता हूँ। तो ये डिपेंड करेगा एक्स की वैल्यू पे। तो इस तरह के स्टेटमेंट को हम कहते हैं प्रेडिकेट। इट इज़ नॉट ए सिंपल प्रपोजिशन, ये सिंपल प्रपोजिशन नहीं है। लेकिन अगर मैं x की कोई वैल्यू असाइन कर दूँ यहाँ पर, तब ये प्रपोजिशन बन जाएगा। ठीक है, इट हैज़ टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट होंगे होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ द वेरिएबल x। पहले पार्ट में क्या आ रहा है आपका, वेरिएबल x आ रहा है विच इज़ द सब्जेक्ट, जो क्या है इस स्टेटमेंट का एक सब्जेक्ट है जिस पर हम क्या करेंगे, बात करते हैं। एंड द सेकेंड पार्ट इज़ ग्रेटर देन 3, और सेकेंड पार्ट है इज़ ग्रेटर देन 3 विच इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, द स्टेटमेंट एक्स इज ग्रेटर देन 3 कैन बी डिनोटेड बाई पी एक्स। तो यहाँ पर इस प्रेडिकेट को हम डिनोट कर सकते हैं किससे, पी से। तो पी एक्स इज द प्रेडिकेट विच डिफाइंड ऑन द वेरिएबल एक्स, जो किस पे डिफाइंड है, वेरिएबल एक्स पे डिफाइंड है। वी आर पी डिनोट द प्रेडिकेट, जहाँ पर पी किसको डिनोट कर रहा है, प्रेडिकेट को डिनोट कर रहा है, दैट इज ग्रेटर देन 3 एंड एक्स इज द वेरिएबल, और एक्स क्या है, वेरिएबल है। नाउ दिस प्रेडिकेट मे बी आइदर ट्रू और फॉल्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x। तो ये x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि प्रेडिकेट पी एक्स ट्रू होगा या फॉल्स होगा। द प्रेडिकेट कैन बी कंसिडर्ड एज ए फंक्शन, प्रेडिकेट को हम एक फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं जो आर्ग्यूमेंट ले रहा है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है जो क्या ले रहा है, आर्ग्यूमेंट ले रहा है। कोई भी प्रेडिकेट एक आर्ग्यूमेंट ले सकता है, दो आर्ग्यूमेंट ले सकता है, या दो से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ले सकता है। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द प्रेडिकेट पी एक्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x, वेरिएबल x की वैल्यू पे इसकी ट्रुथ वैल्यू डिपेंड करेगी। अब प्रेडिकेट विद मोर देन वन वेरिएबल, अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल के हम प्रेडिकेट डिफाइन करना चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं, सच एज पी एक्स कॉमा वाई, पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड विच डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, जो इन ऑब्जेक्ट्स इन वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। ठीक है, नाउ प्रेडिकेट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है क्वांटिफायर्स। ठीक है, तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट हम ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं, किसी भी लैंग्वेज में लिखे हुए ऐसे स्टेटमेंट को हम क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कहते हैं, जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी वस्तु की, किसी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को जो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम पढ़ते हैं ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल का मतलब सारे,
ठीक है, सम का मतलब कुछ और सम का मतलब होता है एटलीस्ट वन, कम से कम एक, नन ऑफ द स्टूडेंट, कोई भी नहीं। तो एक इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेटमेंट, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट को मैथमेटिकल लॉजिक या प्रोपोजिशनल, सॉरी मैथमेटिकल लॉजिक या प्रेडिकेट लॉजिक में रिप्रेजेंट करने के लिए, लॉजिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ नोटेशंस का यूज़ करते हैं जिनको हम कहते हैं क्वांटिफायर्स। तो नेचुरल लैंग्वेज अ क्वांटिफायर रिप्रेजेंट सम प्रॉपर्टी अबाउट द नंबर दैट इज द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स। तो नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में हम क्वांटिफायर कहते हैं जो एक किसी प्रॉपर्टी के बारे में बताता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के नंबर की, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्वांटिफायर्स इन इंग्लिश आर, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम क्वांटिफायर का बात करें तो ऑल, सम, मैनी, एटलीस्ट वन, मोस्ट, नन आर द वर्ड विच रिप्रेजेंट द क्वांटिटी, सो दीज आर द क्वांटिफायर्स, ठीक है। इन प्रेडिकेट लॉजिक द वेरिएबल्स ऑफ प्रेडिकेट्स आर क्वांटिफाइड बाय द क्वांटिफायर्स। प्रेडिकेट लॉजिक में भी हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को, प्रेडिकेट्स के वेरिएबल को क्वांटिफाई करते हैं, उनकी क्वांटिटी का पता लगा सकते हैं किससे, क्वांटिफायर की हेल्प से डिनोट कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स, तो हमारे पास दो टाइप के क्वांटिफायर हैं। द फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर, जिसको हम फॉर ऑल भी पढ़ते हैं, ठीक है, ये सिंबल होता है इसका यूनिवर्सल क्वांटिफायर का। एन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर दैट इज देयर एग्जिस्ट सम, ये सिंबल होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का। नाउ फर्स्ट द यूनिवर्सल क्वांटिफायर, तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर हम कहते हैं कि ऐसे स्टेटमेंट जिनमें क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑल, ठीक है, वर्ड्स फॉर ऑल, इन ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो उसके डोमेन के हर एक वेरिएबल के लिए, वो प्रेडिकेट ट्रू होगा उसके डोमेन के हर एक वेरिएबल के लिए इसको रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे क्वांटिफायर को हम कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो द स्टेटमेंट दैट स्पेसिफाई दैट सम प्रॉपर्टी इज़ ट्रू, ऐसा स्टेटमेंट जो स्पेसिफाई करता है कि कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ट्रू है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ इट्स डोमेन, उसके डोमेन के या वेरिएबल के डोमेन के हर एक वैल्यू के लिए, ठीक है, सभी वैल्यूज़ के लिए, आर एक्सप्रेस्ड बाय द यूनिवर्सल क्वांटिफायर, उनको हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो हमारे पास अगर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आता है जिसमें ऑल है, फॉर ऑल है, तो उसको हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट थ्योरी में भी हम इसका यूज़ करते हैं, x such that for all x belongs to the set R, ठीक है, यानी सभी रियल नंबर के लिए। द यूनिवर्सल क्वांटिफायर स्टेट दैट द स्टेटमेंट विद इन इट्स स्कोप आर ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक वेरिएबल, कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ट्रू है, या क्वांटिफायर जो हमारा प्रेडिकेट है कि वो क्या है, ट्रू है। इट इज़ डिनोटेड बाई द सिम्बल फॉर ऑल एंड रीड एज फॉर ऑल, इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल, सच एज फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज रीड एज फॉर ऑल या एवरी वैल्यू ऑफ एक्स पी एक्स इज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट अगर कहीं पर लिखा है फॉर ऑल एक्स पी एक्स, तो इसका मतलब है कि एक्स की हर एक वैल्यू के लिए प्रेडिकेट पी एक्स क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। नाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल इज फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन, एन प्लस फोर इज ग्रेटर देन थ्री इज ट्रू होगा, क्योंकि एन की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर है तो वन से शुरू होगी, वन प्लस फोर इज इक्वल टू फाइव ग्रेटर देन थ्री, टू प्लस फोर इज इक्वल टू सिक्स ग्रेटर देन थ्री, थ्री प्लस फोर इज इक्वल टू सेवन ग्रेटर देन थ्री। तो अगर एन एक नेचुरल नंबर है तो एन प्लस फोर इज ग्रेटर देन थ्री इज ऑलवेज ट्रू। तो यानी इस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, ये प्रेडिकेट क्या है, ट्रू है, सो इट इज़ द यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो यहाँ पर इसको हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर से डिनोट कर सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट ऑफ बी सी ए सेकेंड सेम रीड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जितने भी स्टूडेंट बी सी ए सेकेंड सेम में हैं उनको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो दैट इज़ फॉर ऑल एक्स डी एक्स, वेयर डी एक्स इज़ द प्रेडिकेट, दैट इज़ द स्टूडेंट ऑफ बी सी ए सेकेंड सेम रीड मैथमेटिक्स, ठीक है, वेयर एक्स, सॉरी बी सी ए सेकेंड सेम रीड मैथमेटिक्स इज द प्रेडिकेट, तो रीड मैथमेटिक्स प्रेडिकेट है, एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ बी सी ए सेकेंड सेम, एंड फॉर ऑल मीन्स द क्वांटिफायर। तो फॉर ऑल एक्स डी एक्स मीन्स ऑल द स्टूडेंट ऑफ बी सी ए सेकेंड सेम रीड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है। सिमिलरली ऑल मैंस आर मॉर्टल, दैट इज फॉर ऑल एक्स पी एक्स, वेयर पी एक्स इज द प्रेडिकेट, दैट इज मैंस आर मॉर्टल, एंड ऑल एक्स इज द मैन एंड ऑल इज द क्वांटिफायर। द सेकेंड टाइप ऑफ क्वांटिफायर विच इज यूज इन द प्रेडिकेट लॉजिक टू
इंडिकेट द क्वांटिटी और डिनोट द क्वांटिटी इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो हमको इंग्लिश में ऐसे स्टेटमेंट भी मिलते हैं जहाँ पर लिखा रहता है सम, फॉर सम, एट लीस्ट वन, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट को सिंबॉलिक टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का। तो द स्टेटमेंट दैट स्पेसिफाई दैट अ प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर सम और एट लीस्ट वन, सम का मतलब होता है कम से कम एक के लिए करनी ही चाहिए, ठीक है, अगर किसी के लिए भी नहीं करेगी तो फिर नन आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ द स्टेटमेंट दैट स्पेसिफाई दैट ए प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर सम और एट लीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए गिवन डोमेन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो उसको हम किसी नोट करते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर से। दैट इज द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर स्टेट्स दैट द स्टेटमेंट्स विद इन इट्स स्कोप आर ट्रू फॉर सम एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक वेरिएबल। तो स्पेसिफिक वेरिएबल की किसी ना किसी एक वैल्यू के लिए जो हमारा क्वांटिफायर है वो ये डिनोट करता है कि जो प्रेडिकेट है वो क्या है, ट्रू है, या स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट सम और एट लीस्ट वन, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट सम एक्स पी एक्स इज रीड एज फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स पी एक्स इज ट्रू, कुछ वैल्यूज के लिए पी एक्स क्या है, ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल सम पीपल्स आर डिसऑनेस्ट, ठीक है, अगर हमारा एक स्टेटमेंट है कुछ पीपल क्या है, डिसऑनेस्ट है, ईमानदार नहीं है। तो देयर एग्जिस्ट सम एक्स पी एक्स वेयर पी एक्स इज प्रेडिकेट विच डिनोट एक्स इज डिसऑनेस्ट, ठीक है। तो दिस इज द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो दीज टू आर द यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिप्रेजेंट अ स्टेटमेंट इन द प्रेडिकेट लॉजिक। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट द प्रेडिकेट लॉजिक स्टेटमेंट इन द सिंबॉलिक फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द क्वांटिफायर्स एंड नेस्टेड क्वांटिफायर्स।